अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATL लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। सबसे पहले आप सभी तमाम दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और अभी हम मौजूद हैं सिवान के कचहरी रोड स्थित कृष्ण भगवान के मंदिर पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि आज पावन पर्व है, जन्माष्टमी का मौका है, और ऐसे में राधे और कृष्ण की यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए तमाम श्रद्धालु भक्तजन पहुँचे हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि सामने में जो प्रतिमा है वो भगवान कृष्ण और राधे की प्रतिमा है, और ऐसे में सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं पूजा अर्चना करने के लिए। बहुत पावन त्यौहार माना जाता है जन्माष्टमी। मथुरा से लेकर के वृंदावन, तमाम जगहों पे आज पूजा अर्चना होती है और अच्छे तरीके से। फिर रात में भी यहाँ पे कई जगहों पे कार्यक्रम भी किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं, कई महिलाएं पुरुष भी पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे कि इस जन्माष्टमी को लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ, हालांकि अभी जो है महामारी से दूर नहीं हम लोग निकले नहीं हैं, लेकिन उन सबके बावजूद फिर भी पूजा अर्चना है, तो जाहिर सी बात है कि जो आस्था है वो सभी आज देखा जा रहा है। पूजा अर्चना करने के लिए तमाम लोग पहुँच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया है, उत्सव का माहौल है, जन्माष्टमी है जी, हम लोग व्रत रुके हुए हैं कृष्ण भगवान। लेकिन जो तैयारी जिस तरीके से जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए वो थोड़ा सा नहीं मन रहा है, कोरोना के चलते कुछ सब कमी है, कोरोना के चलते लोग मतलब भीड़ भाड़ अपना कम कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर भी बहुत सारे लोग, कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। मैडम आप बताइए, आज जन्माष्टमी है, आप लोग पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में आई हुई हैं, किस तरीके से जन्माष्टमी त्यौहार को मनाया जा रहा है? हम अपने श्री कृष्ण भगवान को याद करते हैं, उनके याद में उनके जन्मोत्सव को बहुत धूमधाम से और मनाते हैं। देखा जा रहा है कि जन्माष्टमी को लेकर के जो भीड़ होती थी तकरीबन 2 वर्षों से काफ़ी उसमें भीड़ नहीं है। हालांकि मंदिर जो है ये सजाया जाता था, लेकिन जिस तरीके से जो महामारी चल रही है ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कोविड-19 के कोविड-19 के सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने पूजा अर्चन को बहुत सेफ्टी के साथ मना रहे हैं। बताइए कैसे पूजा अर्चना, आज तो जन्माष्टमी है, बहुत पावन त्यौहार है, जैसे होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा है। कोविड-19 को लेकर के देश में जो महामारियां चल रही है उसको देखते हुए कहीं भी इसी तरह की व्यवस्था चले ताकि सब लोग एक दूसरे से दूरी बना करके और पूजा अर्चना को अपना पूरा कर रहे हैं, यही इसी तरीके से बस भगवान की पूजा अर्चना। हाँ जी, हालांकि पहले भी आप लोग इस मंदिर पे आई होंगी, उस समय काफी सजाया जाता था, सवार अच्छा, उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है आजकल, जो होना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, देश की स्थिति को देखते हुए सारे पब्लिक, सारी जनताएं अपना ध्यान दे रही हैं, अपने घर में शक्ति भक्ति के साथ पूजा पाठ अर्चना कर रही हैं, लेकिन उसी में थोड़ा बहुत आकर के अपना लोग करके चले जा रहे हैं, लेकिन उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जैसे पूर्व में होती थी। बिल्कुल, आपको बताते चले कि जिस तरीके से पूर्व में जो पूजा अर्चना यहाँ पे होती थी, मंदिर को काफ़ी सजाया जाता था, संवारा जाता था, लेकिन अभी जो महामारी चल रही है उससे हम लोग निकले नहीं, और ऐसे में किसी तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचे हुए। देखिए धीरे धीरे जो भक्तगण हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आज भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे, उनसे कुछ जो इनकी मनोकामनाएं हैं उनसे कुछ मांगेंगे। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों नहीं सिवान के मंदिरों का तरफ चले और यहाँ से हम दिखाएं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के कितनी भीड़ है और किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना
चल रही है। तो आप, हम कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ आएँ और दिखाएँ वहाँ पर तस्वीर, यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है और जन्माष्टमी का त्यौहार जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ मनाया जा रहा है। कई महानगरों में, मथुरा, वृंदावन, तमाम जगहों पर तैयारियाँ की जा रही है और इस तरीके से सिवान में भी हो रहा है और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगी आज यहाँ पे आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे पूजा अर्चना करने, कोई दिक्कत नहीं बताइए, पूजा अर्चना कर रही है, बताइए क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से पूजा अर्चना चल रही है, भगवान कृष्ण से क्या कुछ मांग रही हैं आप? चलिए, यहाँ पे जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित जी हैं, इनसे बात करेंगे कि बाबा क्या कुछ है, दो वर्षों से जिस तरीके से जो स्थितियाँ बनी हुई है काफ़ी फीका दिखाई दे रहा है। ये तो मंदिर काफ़ी सस्ता था, इसे सजाया जाता था, संवारा जाता था, भगवान कृष्ण के लिए झूला भी लगते थे। जो दो वर्ष से जो लॉकडाउन चल रहा है उसके लेकर भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, इसलिए यहाँ फीका पड़ा है, कोई माला वाला या कोई और ज़्यादा भीड़ का माने यहाँ प्रबंध नहीं है। रात में हम लोग 2-4-10 आदमी रहेंगे, जौन कि कृष्ण का जन्म होता है रात में, भगवान कृष्ण का जन्म रात में, हाँ रात में भगवान कृष्ण का 12 बजे जन्म होता है, उसमें 2-4-10 आदमी रहेंगे। पहले तो बहुत लोग रहते थे लेकिन अब 2-4-10 आदमी रहेंगे। तो ये रात में तो 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होगा? हाँ 12 ही बजे होगा, 11 बजे से पूजा चालू होगा और 12 बजे उनका जन्म होगा। लेकिन जिस तरीके से इस उत्सव को मनाया जाता रहा है उस तरीके से धूमधाम से उतना तो नहीं, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है उसका तो ख्याल रखना नहीं, उतना नहीं है, पहले बहुत सजाया जाता था लेकिन अब लॉकडाउन के लेकर यहाँ कोई भी माने वो सजाया गया नहीं, नहीं। और उतना ना भीड़ होगा, भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये लेकर 2-4-10 आदमी रहेंगे रात में 12 बजे। हम एक माना जाए कि बस फॉर्मेलिटी एक पूरी कर ली जाए, हाँ वही पूरी हो रही है। अपना शुभ नाम बता रहे हैं, विद्याभूषण पांडे जी, विद्याभूषण पांडे। चलिए, यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं विद्याभूषण पांडे जी और इन्होंने भी कहा कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती थी लेकिन जो अभी महामारी चल रही है ऐसे में रात में भगवान कृष्ण का जन्म होगा तकरीबन 12 बजे और उस वक्त जो भीड़ होती थी वो भीड़ आपको दिखाई नहीं देगी। अभी भी आप देख सकते हैं कि भीड़ जो होनी चाहिए वो भीड़ दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि जन्माष्टमी का तो त्यौहार है लेकिन इसके बावजूद अभी जो महामारी है उस महामारी से हम लोग निकले नहीं हैं और ऐसे में किसी तरीके से पूजा अर्चना के साथ साथ हमें और सबको बचना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बचना है तो कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका तो पालन करना होगा और ऐसे में रात में भी ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, अब बहुत कम ही लोग रहेंगे, जैसे कि पुजारी ने बताया विद्याभूषण जी ने कि 10 लोग रहेंगे और 10 ही लोग ये भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव कार्यक्रम होगा वो उससे संपन्न कराएंगे। तो इसी तरीके से कुछ और जगहों पे हम चलेंगे और वहाँ से दिखाएंगे कि जन्माष्टमी को लेकर के किस तरीके से उसकी तैयारियाँ हैं और जन्माष्टमी को लेकर के जो जन्म होगा भगवान श्री कृष्ण जी का वो किस तरीके से होगा, क्या कुछ उसको लेकर के लोग पहुँच रहे हैं और कैसे पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATL लाइव सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था, हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे, मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन, सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध, महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ, आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18 अस्पताल मोड सिवान, मोबाइल नंबर 9006273666।
सिवान का जाना पहचाना वीआईपी अल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीबीसी विंडो सहित अल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।